एवरी वन दिस इज चांदी दिनानी वर्कमिंग यू टू मैग्नेट ब्रींस और आज की वीडियो को बिगिन करने से पहले वी शुड स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो विद अ मोटिवेशन और वो ये है दैट टुगेदर तो

ऑल्सो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं एक basic level जो है, वो मैं आपको बता दिया ठीक है प्रीवियस uh, वीडियो में बिग्न में फॉर uh, श्योर sure, वैसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी अराउंड आई गेस ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट है बट यू नेवर नो की एक्सामिनर की इच्छा हो आपको वही क्वेश्चन देने की सो दैट इज समथिंग जिससे आप अपना एक बेसिक जो लेवल है उसको मेंटेन रख सकते हो नाउ वी आर गोइंग टू जम्प इन सेकेंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन जहां आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे

चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन डिस्क्रिप्शन और अंडरलाइंड वर्ड्स और ये जो इंस्ट्रक्शन है दिस इज टू बी फॉलोड एज इट इज इन द रिस्पेक्टिव आने वाले क्वेश्चन तो वन टू टेन क्वेश्चन में आपको यही जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है आई गेस लेटर ऑन ट्वेल्व टू थर्टी जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है सो आई होप ये पहले आपको ध्यान में रहेगा एंड इट्स वेरी इजी जहां भी अंडरलाइंड होगा बस उतने पार्ट का जो भी वर्ड होगा वो आपको यहाँ पे मार्क करना है ऑल्सो क्या ये बिगनर लेवल के क्वेश्चन है बिल्कुल अलग है बिल्कुल भी नहीं क्यों देखो अगर बिगनर लेवल में क्वेश्चन जैसे दिए थे वैसा ये क्वेश्चन आता है जो कि अभी हम आई एस इलेवन टू ट्वेंटी में देखेंगे भी तो ऐसा होता कि आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट शायद नहीं दिया होता और सीधे यहां से डेफिनेशन दे दी होती एंड यू वुड हैव टू फाइंड वन वर्ड ठीक है बस अब यहां पे डिफरेंस क्या है कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ आपको एक सेंटेंस दे दिया है पूरा बना के एंड आपको बस ये वन वर्ड से रिप्लेस करना है क्लियर पहली चीज दूसरी चीज अभी कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं कि वेन यू काइंड ऑफ यू नो रिप्लेस दिस एंड एक वर्ड रख देते हो तो आपको शायद ऐसा लगे कि यार यहाँ पर इज आर कुछ आना चाहिए मे बी ग्रामेटिकली थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बट डोंट वरी अबाउट इट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है अगर एरर वाला क्वेश्चन होता तो फॉर श्योर आपको वहां ध्यान देना है बट अगर हम मेजरली इस पॉइंट पोर्शन की बात करते हैं देर आर सो मेनी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले या सैंपल पेपर वाले जिसमें ऐसा कोई फंडा नहीं दिखा मेरे को कि जहां इज आर की गलती होने के बावजूद वहां पर कुछ आंसर ऐसे मैच नहीं कर रहा हो नहीं आपका सिर्फ ध्यान जाना चाहिए पर्टिकुलर जो लाइन है अंडरलाइन उसके लिए कौन सा वर्ड है ठीक है चलो अब ये एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टीनेजर रोट अ पोम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन डिस्क्राइबिंग द एंड ऑफ हिस लॉन्गेस्ट ड्रीम जो टीनेजर है बच्चा उसने क्या लिखा है ही हैज रिटन अ पोम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन कोई भी कविता जिसमें बहुत ज्यादा सीरियस बात की जाती है ज्यादातर ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू डेथ ऑफ संबड़ी ठीक है अगर किसी लव्ड वन को खो दिया है उस पर बेस्ड कोई पोम है जो बड़ी सीरियस है बहुत गंभीर है

शादी की बात करता है वो अब इसपे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे किसी ने ना एक, एक से ज्यादा शादी की हुई है या किसी ने बहुत सारी शादियां की है इसके लिए भी वर्ड्स होते हैं ठीक है तो क्योंकि हम ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये वर्ड्स पढ़ना नहीं है आपको क्या पता वैसे आता नहीं है ग्यामी पे वर्ड जितना मेरे को मतलब जितना मेरा ध्यान है एक्साम्पल पेपर सब पे बट फॉर श्योर आपको सारे वर्ड्स पता होना चाहिए बिकॉज बेसिकली हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं करेक्ट तो ऐसे ग्ञमी वर्ड कभी आता है तो वो मैरिज से रिलेटेड होता है अब आगे क्या वर्ड है वो उस पर्टिकुलर को एक्सप्लेन करेगा रही बात ग्राफर की हम ऑलरेडी जान चुके हैं ग्राफी वॉर समथिंग विद रिस्पेक्ट टू तो द एक्शन ऑफ स्टडी ऑफ समथिंग ग्राफर जो कि वो स्टडी एक्शन कर रहा है है ना रही बात वाइन और एजी की क्या हमने वाइन वर्ड पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है इफ यू रिमेंबर हमने जब वाइन अबाउट करके या यू शुड नॉट वाइन अबाउट ऐसे करके मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूं तो ये जो पर्टिकुलर पोअम uh, है ना जिसमें बहुत सीरियस बातें होती हैं ये है ऑप्शन नंबर सी एलर्जी सो एलर्जी क्या है द पोम और एनी पोवम और सीरियस रिफ्लेक्शन तो so, आपको ये मीनिंग मिल गया अब जरूरी नहीं है आपको एज इट इज यही डेफिनेशन मिले मे बी यू गेट अ थोड़ा तोड़ मरोड़ के वर्जन ऑफ दिस ठीक है हो सकता है आपको यहां पर लिख के दे दे सीरियस एंड बेस्ड ऑन समबडीज डेथ ऐसा करके तो वो अगर वर्ड एलर्जी दे रहा है आपको ऑप्शन में तो वही मतलब है डन सो so, इसका आंसर तो क्या हो गया एल आपको एक तरीके की पोम क्लियर हो गया चलो बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग पड़ता है सो वाइन मतलब अ लॉन्ग हाई पिच्ड कंप्लेनिंग क्राई अगर कोई बहुत ज्यादा कंप्लेन करता हुआ रोता है ना कि अरे क्या हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया और बहुत रो रहा है उस पर बहुत हाई पिच्ड साउंड है तो उसको कहते हैं वाइन ठीक है सो यू शुड नॉट कीप वाइनिंग अबाउट योर ऐसा सेंटेंस है नेक्स्ट चिरोग्राफर इज वन हु प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ बिजनेस ऑफ राइटिंग और एनग्रोजिंग कोई पर्टिकुलर पर्सन जो कि एक आर्ट है या एक बिजनेस है लिखने का उसमें एनग्रोज है उसको प्रैक्टिस कर रहा है या उसको सॉर्ट ऑफ यू नो उसमें डील कर रहा है तो वर्ड हो जाता है चिरोग्राफर नेक्स्ट है एक्सोगी द कस्टम ऑफ मैरिंग आउटसाइड अ कम्युनिटी क्लैन और ट्राइब देखा मैंने बोला ना गैमी वर्ड मैरिज के लिए यूज करते हैं अब एक्सो क्या होता है बाहर कुछ है ना तो अपनी ट्राइब या अपना जो भी कम्युनिटी है उससे अगर कोई बाहर दूसरी ट्राइब है, दूसरी कम्युनिटी में शादी करता है देन द वर्ड इज एक्सो गैमी आई होप तीनों वर्ड आपको क्लियर हो चुके हैं डन ओके okay, चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं सेकेंड है द डायरेक्टर हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन फील्ड वन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक डायरेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा उम्दा हैं अपनी फील्ड में बेस्ट हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अब ये वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपके लिए आसान होना चाहिए बट क्वेश्चन जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा सॉर्ट ऑफ कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है मे बी आपको एक वर्ड से रिलेटेड ही सारे वर्ड्स दिए जाएं बट बिकॉज मैं चाहती हूँ आप मैक्सिमम नए वर्ड सीख लो इसलिए मैंने कुछ अलग अलग वर्ड एड किए हुए हैं ऑप्शन में ठीक है सो अभी के लिए आपको ऐसा कोई वर्ड ढूंढना है जो कि बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अपनी फील्ड में बहुत बेहतरीन है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है तो उसके लिए वन वर्ड क्या है सो फर्स्ट इज वेटरन, सेकेंड है कोलोकियल थर्ड इज बिब्लियो क्लेप्टो मेनिया एंड इज प्रोस्पेक्ट फॉर द वंस जिन्होंने बिगना लेवल का वीडियो देखा है उनको ऑप्शन सी बहुत अच्छे से क्लियर हो, हो गया होगा हो ही जाना चाहिए अगर आपने बिघन लेवल देखा है तो क्यों भाई देखो मैनिया मैंने बोला था कि एक पागलपन होता है एक अर्ज होती है क्लेप्टो मैंने बोला था चोरी करने का अगर किसी को बहुत अर्ज होता है कि एक यू नो अंदर से बार बार आवाज आती है चोरी करो चोरी करो तो क्लेप्टो और बिब्लियो हमने पढ़ा था जिसको बुक्स से बड़ा प्यार होता है कलेक्शन करना फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड स्टाफ तो बिब्लियो बुक्स क्लेप्टोमेनिया चोरी यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज बुक्स चोरी करने का करेक्ट ऐसे आपको वर्ड्स तोड़ तोड़ के समझने पड़ते हैं बहुत सारे जो आप ऐसे ही समझ जाते हो वन वर्ड में क्लियर और रही बात प्रोस्पेक्ट की ये भी हम एज लाइक सिनोनिम या ऑफ सम वर्ड पढ़ चुके हैं ठीक है चलो अब इसका जो आंसर है आई होप सभी ने बोल दिया है कि ऑप्शन नंबर ए वेटरन इज द करेक्ट आंसर जैसे वेटरन एक्टर बोलते हैं यानी कि कोई एक्टर जो अपनी फील्ड में बहुत ही बढ़िया कलाकार रहा है या फिर कोई भी फील्ड में कोई बहुत बढ़िया रहा हो वो वेटरन हो जाता है सो द डायरेक्टर या फिर इसका क्या हो जाता है रिप्लेसमेंट ये हो जाएगा द वेटरन डायरेक्टर

लोकियल क्या होता है जो हमारी आम भाषा होती है लाइक like, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की लोकल लैंग्वेज सॉर्ट ऑफ सो ऑफ लैंग्वेज यूज इन ऑर्डिनरी और अमीलिया कॉन्वर्जेशन नॉट फॉर्मल और लिटररी तो जो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं ना बड़े फॉर्मल से वर्ड्स वैसा ना करके बहुत ही से लोकल टाइप की लैंग्वेज इन फॉर्मल से वर्ड्स जो बड़े कॉमन है उनको कहते हैं कोलोकियल नेक्स्ट है बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया ऑलरेडी क्लियर हो चुका है क्लेप्टोमेनिया यानी कि चोरी करने का एक स्ट्रॉग अर्ज इन्वॉल्विंग एन अनकंट्रोलेबल इम्पल्स टू स्टील बुक्स किसी को बुक्स चुराने का अगर एक अनकंट्रोलेबल फीलिंग होता है उसको कहते हैं बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया है या बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया है वो पर्सन

अब कुछ भी या कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने आप को बदल नहीं पाता या अपनी कोई एक हैबिट या अपनी एक बिहेवियर को बदल नहीं पाता उसके लिए वन वर्ड क्या है इज 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 इट 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 ओमनी बैथोफोबिया और इज इट इनकोरिजिबल देखो फोबिया है बैथोफोबिया बैथो पता चल जाए हमको तो हम शायद बता देंगे किस चीज का डर है बिकॉज फोबिया क्या है फियर ऑफ समथिंग है ना रही बात ओमनी डायरेक्शनल अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है क्या वो डायरेक्शनल से कुछ हो सकता है यूज योर ब्रेन है ना नेक्स्ट क्या है सर्कम एम्ब्यूलेट नहीं पता भाई हमको सर्कम मतलब हमें पता है पूरी तरीके से लाइक सर्कम टाइप का एंड स्टाफ हम पढ़ते हैं रही बात इनकॉरिजिबल की यही वर्ड है इनकॉरिजिबल मतलब जो ना बदल ही नहीं सकता जैसे आप क्लास नाइन्थ में हो ना क्लास टेंथ में जब जाओगे यू वुड गेट अ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंक ठीक है एन फ्रेंक का नाम आई होप सब ने सुना है एंड फ्रैंक के चैप्टर में उनको एक ऐसे लिखने को दिया जाता है जो कि होता है यही वाला वर्ड इनकोरिजिबल बॉक्स क्योंकि एन फ्रैंक को बहुत ज्यादा बात करने की आदत है तो उनकी क्लास में जो उनके सर हैं वो उनको ऐसा टॉपिक देते हैं कि कभी नहीं बदल सकती उनकी आदत बकबक करने की तो शी इज इतना टॉकेटिव शी इज दैट शी कैन नेवर रिफॉर्म हर सेल्फ ठीक है तो इनकॉरिजिबल चार्टर बॉक्स तो इस तरीके से अगर कोई ऐसा है या उनकी कोई हैबिट है जो बदल ही नहीं सकते वो चेंज कभी नहीं कर सकते उनके लिए वर्ड होता है इनकोरेजिबल डन तो आपको कभी किसी दोस्त को बोलना भाई तू कभी नहीं सुधरेगा सो यू जस्ट से उस बिहेवियर के आगे यू आर एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स यू आर एन इनकॉरिजेबल जो भी जो भी बिहेवियर है क्लियर ओके okay, चलो बाकी वर्ड्स पढ़ते हैं सो सूलेटेस वॉक ऑल द वे

डेप्थ uh, गहराई से रिलेटेड होता है तो किसी को अगर बहुत गहराई से डर लगता है डेप्थ से डर लगता है तो एबनॉर्मल फियर ऑफ डेप्थो फोबिया वाई द वर्ड एबनॉर्मल इज यूज मतलब जब आप फोबिया की डेफिनेशन पढ़ते हो कई बार एबनॉर्मल लिखा रहता है इसका मतलब क्या है एबनॉर्मल मतलब जो मतलब ऑब्वियसली जो नॉर्मल नहीं है बट इन द सेंस हर किसी को ये डर नहीं होता है ना किसी किसी को क्या होता है ना बहुत ज्यादा भी मतलब ऐसी गहराई होती है जो हमारे लिए नॉर्मल है कि इसका कौन सा डर लगना चाहिए इस चीज़ का बट आपको नहीं पता कि उस पर्सन के अंदर वो फोबिया है तो उनको वो डर लग रहा है एंड ऑब्वियसली फोबिया को ट्रीट किया जा सकता है विथ योर ओन विल एंड विश ठीक है अगर आप खुद ओवरकम करने की कोशिश करो वो और फोबिया जो है वो हैंडल uh, हो सकते हैं डन ओके चलो नेक्स्ट फोर्थ है देर क्लोथ्स आर ऑलवेज ब्राइटली कलर्ड एंड ईजिली नोटिस्ड उनके जो कपड़े हैं वो हमेशा बहुत चमक धमक वाले ब्राइटली कलर्ड होते हैं एंड उन पर अटेंशन हम यू नो उनका अटेंशन सीख हो ही जाता है लोगों का यानी कि सबका ध्यान चला ही जाता है उनके कपड़ों पर सो देयर क्लोथ्स आर वेरी स्टाइलिश कलरफुल या नोटिसिबल ऐसा मीनिंग आ रहा है तो कुछ भी ऐसा कोई पर्सन या कोई कपड़े जो बहुत ज्यादा नोटिसिबल है बहुत अट्रैक्टिव है ध्यान चलाई जाता है उसके लिए वन वर्ड क्या है इज इट साइकिक इज इट सैक्ड इज इट एथीस्ट और फ्लैम बोइंट एथीस्ट वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं याद आ रहा होगा है ना और फ्लैम बोइंट जो है दिस इज द पर्टिकुलर वर्ड जो इसके साथ जाता है कि अगर कोई पर्सन भी जो है उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग ना ध्यान चला ही जाता है लोगों का इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है या इतना यू you नो know, चीयरफुल बबली टाइप का नेचर होता है कि लोगों का ध्यान चला ही जाता है उस और वो भूलते नहीं है कि वाह मतलब क्या खुश मिजाज पर्सन था क्या पर्सनैलिटी थी ऐसा टाइप का तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है फ्लैम ठीक है वैसे ही कोई कपड़े हैं भाई उसको नोटिस करना ही मतलब आपका नजर हटेगी नहीं या कुछ होता है ना क्योंकि नजर पड़ी जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो फ्लैम बॉइंट डन चलो बाकी वर्ड्स पढ़ते हैं जिसमें से एक ऑलरेडी पता है आपको अथीस्ट सो so, is इज हैविंग अ स्पेशल मेंटल एबिलिटी फॉर so सो दैट यू आर एबल टू नो will विल हैपन इन द फ्यूचर नो what पीपल आर थिंकिंग कई हम कहते हैं कि साइकिक है यानी कि अगर किसी पर्सन में एक स्पेशल एबिलिटी होती है मेंटल कि वो ना थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा या आने वाले दिनों में अभी क्या होने वाला है या सामने वाला क्या सोच रहा है Like mind reading property, property ni ability hai. Then we can go with the word psychic. Next hair Sam Freud composure or coolness shown in danger under trying. सर्कमस्टांसिस मतलब अगर ना बहुत ऐसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हैं सर्कमस्टांसिस हैं और उसमें भी अगर कोई अपना कंपोजर खाम यू नो अपना मतलब दिमाग ठंडा करके रखा है ऐसा शो करा है अथीस्ट पहले पता है हमको ड नॉट बिलीव इन गॉड जो नास्तिक होते हैं जिन्हें भगवान में भरोसा नहीं होता या जिनको ऐसा होता ही नहीं कि भगवान होते हैं तो उनके लिए वर्ड होता है ए और इसका उल्टा क्या होता है भाई थीस्ट जो आस्थिक होते हैं डन ओके नेक्स्ट है शी हेज अचुरल स्किल ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स उसकी जो है एक नेचुरल एबिलिटी है उसमें वो बहुत जल्दी दोस्त बना लेती है ठीक है कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब कहीं भी जाते हैं उनका इतना ज्यादा अच्छा इंट्रैक्शन होता है कि उनके सारे लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं या फिर ना वो जल्दी खुल जाते हैं एक्स्ट्रो होते हैं आ, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है शायद फील नहीं करते कि अरे हम क्या बात करें बल्कि खुद ही स्टार्ट कर देते हैं अपना कॉन्वर्जेशन सबसे मिलजुल के रहते हैं जो कि बहुत प्यारी क्वालिटी है ठीक है और सब में नहीं होती तो ऐसा कोई नेचुरल स्किल हो किसी भी चीज का नेचुरल स्किल है ऑलरेडी तो उसके लिए एक वन वर्ड क्या है तो शी हैज अ है इसके लिए जो वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर बी विच इज नैक अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें ना एक नैक है मतलब एक नेचुरल एबिलिटी है टू डू सम करेक्ट वर्ड चलो बाकी वर्ड पढ़ते हैं इरयू डाइट इज हैंग शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग इफ समी हैज अ लॉर्ड ऑफ नॉलेज या फिर शोइंग कि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है या बहुत लर्निंग है देन कैन गो विद वर्ड इर यू डाइट Next है है, है है, है, यानी कोई भी जो 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 बहुत ज़्यादा जिद्दी है, है, और अपना जो opinion है, अपना जो तरीका है, उसको चेंज करेगा ही नहीं बिकॉज द पर्सन इज लाइक वेरी जिद्दी स्टबन तो वी कैन गो विद वर्ड ऑफ ड्यूरेट क्लियर नेक्स्ट है एड हॉक विच इज मेड और है उसको ना किसी चीज को अगर प्लान नहीं किया है बिफोर इट हैपन बल्कि वो खुद ही हुआ है लाइक इट वॉज मेड या फिर इट वॉज क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्पज था या नीड था इसीलिए हुआ आपने पहले से प्लान नहीं किया था बट जरूरत पड़ गई दैट्स दैट थिंग उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एड हॉक ये सब वर्ड हम क्यों पढ़ रहे हैं बिकॉज यू नेवर नो की क्वेश्चन में आपको यही मीनिंग अंडरलाइन करके दे दें एंड यू हैव टू राइट वन वर्ड ठीक है तो उसको अच्छे से समझ लो अपनी लैंग्वेज में हर वर्क वर्ड को यूज करना चालू कर दो अपनी तरीके से जो आपको कंफर्टेबल लगता है एंड दैट इज हाउ अपने सेंटेंसेस में समझ जाओगे कि वर्ड की बात हो रही है चलो looked एकदम से बहुत तेज आवाज हुई और उसी वक्त जो इंसान नींद में चल रहा था द स्लीप मुड़के देखा यानी यहां आपको चाहिए वन वर्ड ऑफ स्लीप वॉकर इफ यू रिमेंबर द वर्ड ऑफ स्लीप टॉकर यानी कि जो इंसान नींद में बकबक करता है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा देन यू रियली नो अभी का आंसर क्या है बट अगर वो नहीं पढ़ा तो क्या कर सकते हैं ठीक है सो द स्लीप वॉकर के लिए वर्ड इज नोक्टेम्ब्य एलोग्री एलैग्री तो यहां पर वर्ड जो है वो है नॉकटेम्ब्यूलिस्ट क्योंकि नॉक्टा वर्ड जो है वो रात के लिए यूज करते हैं नाइट ठीक है night, और स्लीप ऑब्वियसली रात की बात कर करें तो जो पर्सन ना नींद में चलता है उनके लिए वर्ड है नॉक्टैम्बुलिस्ट क्लियर ओके चलो बाकी वर्ड्स पढ़ते हैं बारबरिज्म एक्सट्रीम क्रूअलिटी और ब्रूटालिटी एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम क्रूअल चीज हो रही है या बहुत ब्रूटल चीज हो रही है कठोर तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम बारबरिज्म नेक्स्ट है चैंडलियर अ लार्ज डेकोरेटिव हैंगिंग लाइट विद ब्रांचेस फॉर सेवरल लाइट बल्ब्स और कैंडल्स आपने देखा होगा मतलब ऐसे चैंडलियर होते हैं कि जिसमें ना बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं जिसमें लैंप या दिए हुए लगा सकते हो उस पर्टिकुलर चीज को जो हैंगिंग लाइट होती है इसमें बहुत सारे दिए लगा सकते हो उसमें कहते क्या है, है हम चैंडलियर नेक्स्ट है एलेजरी विच इज अ स्टोरी और और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रिटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग टिपिकली अ मॉरल और पोलिटिकल वन कोई भी स्टोरी कोई भी पोअम या कोई भी पिक्चर जिसको ना आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो एक छुपा हुआ मीनिंग या एक मॉरल या पॉलिटिकल मीनिंग बताएगा उसे कहते हैं एलेजरी क्लियर ओके नेक्स्ट है द कैरेक्टर शेयर हिज थॉट्स अलाउड बाय हिमसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ एनी हेयर इन द प्ले यानी जो कैरेक्टर था प्ले में उसने अपनी जो बातचीत है वो जो वहां लोग थे और ऑलरेडी जो कैरेक्टर्स थे उनको नहीं बताते हुए कलाकार चाहिए उसके लिए। तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ लाइन ऐसी होती है जो कि पर्सन ना कैरेक्टर को नहीं बताना चाहता वो हमें बताना चाहता है तो ऑब्वियसली उनको जोर से बोलना पड़ता है सुनना पड़ेगा ना वो सीरियल टाइप का तो कर नहीं सकते कि दिमाग में चल रहा है धूमता न न और दिमाग में तो तो नहीं हो सकता है है ना तो प्ले में क्या होता है? सामने वाला जो है 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 खड़े होकर सारी बातें हमको कह रहा रहा होता होता ऑडियंस को वो जो है, वो जो कैरेक्टर ऐसे बिहेव करेंगे नहीं सुनाई दे रहा है। ये मतलब ऑलरेडी तो ऑब्वियसली भी बाकी के हैं, उनसे बात ना कर उसके लिए पर्टिकुलर तरीका होता है ना उसको कहते हैं ऑप्शन डी विच इज सोलख यानी कि एक तरीका जिसमें आप अपने कैरेक्टर्स को बात न करके आप ऑडियंस तक एक बात पहुंचाना चाह रहे हो सॉर्ट sort ऑफ of ऐसा जैसे वो दिमाग में सोच रहे है ना वैसा आप हमको बताना चाह रहे हो क्लियर ओके okay, चलो बाकी वर्ड्स देखते हैं बॉन्जर इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग ऑर्नामेंटल इन पॉट्स मतलब यू you नो know, मटके में पॉट में कुछ श्राब्स या जो ऑलरेडी नेचुरली बहुत छोटी हाइट के पेड़ होते हैं उनको उगाने का जो तरीका एंड दीज आर जनरली ऑर्नामेंटल यानी डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो वर्ड क्या हो जाता है बॉन्जाइट नेक्स्ट वर्ड है रीमिस लैकिंग केयर और अटेंशन टू ड्यूटी नेग्लेजेंट यानी कोई भी ऐसा जो यू नो अपने काम पे ध्यान नहीं देता बड़ा केयरलेस है नेग्लेजेंट है जो काम चल रहा है ड्यूटी है उस पर ध्यान ना देकर इग्नोर कर रहा है तो वर्ड हो जाता है रीमिस नेक्स्ट वर्ड है पैडोगॉगी द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन अकेडमिक सब्जेक्ट और यानी एक ऐसा तरीका जिसमें पढ़ाया जा रहा है कोई अकेडमिक सब्जेक्ट या कोई भी यानी कोई भी तरीका ऑफ मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इज वॉट इज पैडोगी डन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एथ क्वेश्चन जहां आपको दिया हुआ है डेफिनेशन ही इज वेरी कॉशियस इन वॉट ही एंड ड

इसका मतलब ये कि चारों तरफ हमेशा ध्यान रहता है कि नो रिस्क नहीं लेना सब कुछ सोच समझ के ओवरऑल 360 व्यू देखकर तो इसीलिए वर्ड जो है आपको क्लियर हो गया होगा इट्स गोइंग टू बी तो गर्मस्पेक्ट मतलब हर एक चीज को ध्यान से तोलना मलो नहीं तोलना है ना यहाँ और इस तरीके से सारी चीजों को समझना कि भाई सब कुछ है कि नहीं आ, सही और रिस्क तो नहीं ले रहे हैं स्टाफ, तो उस तरीके के बिहेवियर को या एक्टिविटी को कहते हैं क्या सर्कमस्पेक्ट चलो बाकी पढ़ते हैं अफिनिटी तो आई होप ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए बिकॉज बीइंग ए नाइन्थ स्टैंडर्ड आप बहुत पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अफिनिटी फॉर दिस एंड स्टफ यानी लव फॉर समथिंग है ना सो अ नेचुरल लाइकिंग फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समन समथिंग एक पर्टिकुलर नेचुरल लाइकिंग किसी चीज के लिए या अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग या कुछ ऐसा होता है कि यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग वो होता है अफिनिटी ठीक है तो अफिनिटी मतलब एक नेचुरल लाइकिंग है नेक्स्ट है एक्लेक्टेड डिराइविंग आइडिया स्टाइल और टेस्ट फ्रॉम अ ब्रॉड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सोर्सेस अपने खुद के आइडियाज को ड्राइव करना या एक स्टाइल ड्राइव करना या फिर टेस्ट वगैरह डिराइव बोल रही हूँ ड्राइव नहीं बोल रही हूँ डिराइव मतलब एक तरीके से उससे यू नो सीखना वो चीज़ क्लियर एंड फ्रॉम ब्रॉड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सोर्सेज एक दो से नहीं बल्कि बहुत सारे सोर्सेज से ये सारी चीजें डिराइव करना इज वॉट इज एक्लेक्टेड नेक्स्ट है कॉमली प्लेजेंट टू लुक एट अट्रैक्टिव टिपिकली यूज ऑफ अ वुमन किसी लेडी के लिए वर्ड यूज किया जाता है समबड़ी लुक्स वेरी अट्रैक्टिव ज्यादातर फॉर लेडीज दिस इज यूज तो वर्ड हो जाता है कॉमली डन ओके चलो नेक्स्ट वर्ड्स Question है महिंद्रा केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग इट तो महिंद्रा एक ऐसा पर्सन है जो सबका ध्यान रखता है केयर करता है सबकी भली उसका कोई उसमें मोटिव हो या ना हो एंड उसको उसमें से कोई अपना सेल्फिश रीजन फुलफिल नहीं करना होता अपना कोई फायदा नहीं देखना होता बल्कि बस सबकी केयर करता है वो ठीक है तो ऐसा जो आम, बोलना चाहिए एक मैनर है इंसान का या एक पर्सनालिटी ट्रेट है उसके लिए वन वर्ड क्या है इज इट एम्पेरिज्म इज इट फोर्टिसमो इज इट एल्चुरिस्ट और एपिलॉग तो ये जो पर्टिकुलर एक्शन uh, है या तरीका है दिस इज गोइंग टू बी एल्चुरस्ट अगर कोई पर्सन एल्चुरस्ट होता है यानी कि पर्सन सबका केयर करता है और इसमें उनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता है

different

कहा जाता है डन ओके नेक्स्ट आ जाते हैं टेंथ क्वेश्चन पे जिसमें आपको डेफिनेशन का वन वर्ड देना है यस सो व्हेन अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय स्पीकिंग विदाउट मूविंग देयर लिप्स टू मेक इट सीम एज इफ द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स चैट्स विद डमी, it इट रियली लुक्स लाइक टू पीपल आर टॉकिंग टू इच अदर बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है बट इसको समझते हैं ठीक है देखो क्या बोला है कि जब भी कोई पर्सन दूसरों को एंटरटेन करने के लिए क्या करता है बोलता तो जाता है अपने लिप्स को मूव करते हुए बट ऐसा लगता है कि जो आवाज है उसके होठ से ना आकर या उसके मुंह से ना आकर कहीं और से आवाज सुनाई दे रही है कोई और बोल रहा है कहीं से एंड चैट्स विद अ और उनके पास हमेशा एक डमी होता है जिसमें जान नहीं है इट इज लाइफलेस डमी और उससे आवाज आ रही होती है इट रियलीस लाइक दो लोग जो है वो आपस में बात करें नाउ दिस इज वेरी वेल नोन आई होप सबके दिमाग में कोई पिक्चर आ गया होगा आपने देखा होगा कि कई कबार ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में एक डॉल या एक डमी होता है ठीक है और वैसे से मुंह चलाते रहते हैं उसका और बोलते वो अपने मुंह से हैं उनके लिप्स भी हिलते हैं थोड़े थोड़े बट आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो बोल रहे हैं ऐसा लगेगा ये डमी बोल रहा है तो ये जो पूरा मेथड होता है इसको क्या कहते हैं ग्रामिनी वोरस होरोलोजिस्ट वेंट्रीलोक्विस्ट हिम यानी कि इस पर्सन को क्या कहते हैं ठीक है वर्ड वेंट्री लोकविस्ट नाउ ट्रस्ट मी बताओ मुझे ऐसी डेफिनेशन वगैरह के लिए वन वर्ड के आपको पहले से आते थे नहीं बट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको हेल्प करता है ऐसे वर्ड जानने में अब इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दोगे किसी के बारे में अच्छा आईजस्ट वेंट फॉर अर शो और मैंने वहां पर ना ऐसे पर्सन को देखा जो बोल रहा था लग नहीं रहा था कि वो बोल रहा है डमी से बोल रहा था बड़ा एंटरटेनिंग था इतना बोलने से अच्छा क्या होगा भाई आई वेंट इन अ शो एंड देर आई सॉ अ वेंट्री लोक लोकवेस्ट क्लियर ओके चलो नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ते हैं ग्रामिनी वोरस ऑफ एन एनिमल फीडिंग ऑन ग्रास अगर कोई एनिमल जो है वो ग्रास खाता है घास खाता है तो उन एनिमल्स के लिए क्या वर्ड होता है ग्रामिनी वोरस वोरस वर्ड आपने सुना होगा ओमनी वोरस कार्नी वोरस हर्बी वोरस है ना ऐसे ही क्या है ग्रेमिनी वोरस नेक्स्ट है हॉरोलॉजिस्ट अ पर्सन और कंपनी दैट मेक्स और रिपेयर क्लॉक्स एंड वॉचेस कोई इंसान या कोई कंपनी जो कि घड़ियां बनाता है या उनको रिपेयर करता है उनके लिए वन वर्ड क्या होता है हॉरोलॉजिस्ट नेक्स्ट है hymn a religious song or form of praise to god or a god ठीक है दिस इज अ गॉड मतलब जी कैपिटल आएगा सो hymn मतलब होता है एक रिलीजियस गाना ठीक है जिसमें आप भगवान जी को प्रेज कर रहे हैं या फिर भगवान जी के बारे में कुछ बोल रहे हैं दैट इज व्हाट इज hymn करना क्लियर ओके okay, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th having or showing an extreme greed for wealth or material gain बहुत ज्यादा एक लालच होना पैसों को पाने के लिए या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजों को पाने के लिए उसके लिए क्या है? इज इट लाइबल सो ये पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है दिस गोज वर्ड एवरिश यानी कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा पैसों को लेकर लालची होता है मटेरियल गेम्स को लेकर लालची होता है उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है एवरिश क्लियर चलो बाकी वर्ड्स पढ़ते हैं

खराब हो रही है उनकी जो रिस्पेक्ट है वो डैमेज हो रही है इस तरीके के रिटर्न स्टेटमेंट को क्या कहते हैं लाइबिल क्लियर ओके चलो ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आते हैं द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन वोटिंग एक स्टैटिस्टिकल यानी स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड फैक्ट्स पे बेस्ड एक ट्रेंड वगैरह की स्टडी करना ऑफ इलेक्शंस एंड वोटिंग उसके लिए वन वर्ड क्या है सो इज इट एनोनिमस इज इट प्लूटोक्रेसी इज इट सिफोलॉजी या फिर बोर्जियोसिस अब देखो जब हम बात कर रहे हैं ऑफ द वर्ड लॉजी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सफिक्स क्रसी तो मैंने आपको क्या बोला क्रसी आपको डेमोक्रेसी से जोड़कर कोई तरीके के गवर्नमेंट की बात कर रहा होगा, कोई तरीके के रूल करने की बात कर रहा होगा राइट तो ये तो वर्ड सीधे सीधे कैंसिल हो जाता है गवर्नमेंट और स्टाफ वी आर टॉक है ना तो इसीलिए पक्का, सी होना चाहिए एंड दिस इज हाउक्ट दी ऑप्शन की क्या नहीं होगा है ना तो इस तरीके से सीफोलॉजी इज द वर्ड फॉर दिस एक स्टैटिस्टिकल स्टडी वोटिंग वगैरह या इलेक्शन वगैरह के ट्रेंड्स को पढ़ने के लिए डन ओके चलो बाकी वर्ड पढ़ते हैं एनोनमस बहुत आपने सुना होगा लाइक कई आम, जो भी लिटरेचर के चैप्टर्स होते हैं या कई स्टोरीज होती है इसके ना ब्रैकेट में एंड में कहीं तो लिखा रहता है अनोनमस इसका मतलब क्या है ऑफ अ पर्सन नॉट आइडेंटिफाइड बाय नेम ऑफ अननोन नेम कोई पर्सन जिसका असली नाम से वो जाना नहीं जाता कोई अलग ही अननोन नाम से जाना जाता है तो अनोनमस लाइक यू डोंट नो रियल में वो पर्सन का नाम क्या है दैट इज अमस नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द वेल्दी इट इज क्रेसी इट्स डेफिनेटली अ गवर्नमेंट बट अगर कोई गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे वाले रिच लोगों की वेल्दी लोगों की है देन वी गो विद वर्ड प्लूटोक्रेसी नेक्स्ट है बोर्जियोसिस देन बॉर्जियो इज देन वर्ड इज बिलोंगिंग टू आवर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल क्लास तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ भी ऐसा है जो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है किस टर्म्स में कि टिपिकली जो भी materialistic चीजें होती हैं वैल्यूज होती हैं या जो भी कन्वेंशनल attitudes हैं, सोच है विचार हैं वो मिडिल क्लास टाइप का अगर है तो वर्ड यूज कर सकते हो क्या बॉर्ड जियो इज क्लियर All right. नेक्स्ट यू हैव थर्टींथ क्वेश्चन टू यूज समथिंग और सम वन स्पेशली इन एन इफेक्टिव वे किसी चीज को यूज करना एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक इफेक्टिव वे में उसके लिए वन वर्ड क्या है वेली टू डि इम फैसे डीप

और हमेशा उनका यही चलता रहता है कि मेरे को पेट में दर्द रहता है मेरा सर दुख रहा है पूरा टाइम अपने हेल्थ के बारे में सोचते रहते हैं वो कि बस मेरी हेल्थ मेरी हेल्थ मेरी हेल्थ देन अ वर्ड इज वैलिट्यूडिनेरियन फॉर देम दिस इज लाइक समथिंग जो रिक्वायर्ड नहीं है बट दे आर लाइक अनड्यूली आंशियस अबाउट हेल्थ इम्पर्वियस अनेबल टू बी अफेक्टेड बाय कुछ भी हो जाए द पर्सन और the इज नॉट गोइंग टू बी be बाय एनी थिंग वर्ड हो जाता है इम्पर्वियस नेक्स्ट है फैसेमाइल एन एग्जैक्ट कॉपी स्पेशली ऑफ रिटर्न or प्रिंटेड मटेरियल एक कॉपी की बात हो रही है यानी कुछ भी लिखा हुआ है कुछ भी प्रिंटेड है उसकी एक्जैक्टली एक कॉपी है दूसरी उसको फैसेमाइल कहते हैं डन ओके फोर्टिंथ क्वेश्चन पे आते हैं इन अ वे दैट यूज इज एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज ओरिजिनली यूज इसके लिए वन वर्ड क्या है मतलब उसी तरीके से बोलना या यूज करना जैसे ओरिजिनली यूज किया था उस तरीके से इज इट प्लज इज इट वर्बटम इज इट इक्वेस्ट्रियन और इंटरस्टेट सभी अलग अलग वर्ड्स हैं इसीलिए आपको समझ आ रहा होगा हो कि मतलब वर्ड्स का ऐसा कोई मीनिंग या लिंकेज नहीं है बट जो मीनिंग है अगर हमको नहीं पता ऑप्शन का इट कैन डेफिनेटली लीड टू अ टाइप ऑफ कंफ्यूजन एंड आप वो, वो क्वेश्चन शायद ड्रॉप कर दो है ना तो यही होता है intermediate achievers में कि आपके लिए options बड़े confusing हो जाते हैं क्लियर तो यहां पर जो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है वर्ड वर्ब यानी वैसा ही बोलना या वैसी वर्ड यूज करना जैसे ओरिजिनली था आप वर्बल से वर्ब ध्यान में रख सकते हो वर्बल क्या होता है जो हम बोलते हैं वर्ड यूज करते हैं है ना okay, पढ़ते हैं प्लेज इज अ पर्सन हु यूजेस अनदर आइडियाज और वर्क एंड प्रिटेंड्स दैट इट इज देयर ओन ऐसे बहुत लोग होते हैं है ना मतलब किसी दूसरे का आइडिया था किसी दूसरे ने कुछ कहा था वही चोरी करके आपने बोल दिया कि ये तो मेरा आइडिया है लाइक ये तो मैंने सोचा एंड स्टफ तो ऐसे इंसान के लिए वर्ड यूज किया जाता है प्लेजियरिस्ट क्लियर नेक्स्ट है इक्वेस्ट्रियन रिलेटिंग टू हॉर्स राइडिंग या फिर जो हॉर्स राइडिंग करता है घुड़सवारी करता है है ना हु सिट्स ऑन द बैक ऑफ हॉर्स एंड राइड्स इट उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इक्वेस्ट्रियन नेक्स्ट है इंटरस्टेट नॉट हैविंग मेड अ विल बिफोर वन डाइज अगर कोई पर्सन अपने डेथ के पहले कोई विल बना के नहीं गया लाइक इफ द पर्सन होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्टफ और वो अपनी विल बना के नहीं गए हैं कि वो क्या चीज़ किसको देना चाहते हैं तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंटरस्टेट सो यू कैन सी आपको किसी भी कोने से कोई भी वर्ड आ सकता है और ऐसे वर्ड्स भी होते हैं दैट माइट भी आपको पता भी नहीं हो है ना तो अगर कोई पर्सन अपनी डेथ के पहले विल बनाना भूल गया या नहीं बनाया उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो वर्ड है इंटरस्टेट नेक्स्ट है अ स्टेट सोसाइटी और ग्रुप गवर्न बाय ओल्ड पीपल कोई भी स्टेट कोई भी सोसाइटी या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जिनको जो गवर्न कर रहा है जो रूल कर रहा है वो एक ओल्ड इंसान है या फिर ओल्ड पीपल आर गवर्निंग रूलिंग सम स्टेट सोसाइटी और ग्रुप इज जिरोसी इज इट अग्रेसर इज इट मेडन इज इट इन एक्सप्लीकेबल तो हमने ओल्ड पीपल से रिलेटेड एक वर्ड जिरोजिस्ट शायद आई हमने पढ़ा हुआ है या जीरियाटिक्स कुछ तो पढ़ा था हमने ऐसे रिलेटेड तो so, अगर आप वहां से वर्ड लिंक कर सकते हो देन यू ऑलरेडी नो द आंसर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिरोंटो क्योंकि जिरोंटो वर्ड ओल्ड लोगों के लिए यूज किया जाता है एंड क्रेसी एक तरीके का गवर्नमेंट या एक तरीके का रूलिंग पार है है ना तो ये हो जाता आपका वन वर्ड चलो बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं अग्रेसर इज अ पर्सन और कंट्री दैट अटैक्स अनदर फर्स्ट या कोई पर्सन या कोई कंट्री जो दूसरे को पहले अटैक करे लाइक जिस पर्सन ने अटैक किया पहले वो या फिर जिस कंट्री ने पहले अटैक किया दूसरी कंट्री पे उनको कहा जाता है अग्रेसर नेक्स्ट है मेड इन बीइंग और इन्वॉल्विंग द फर्स्ट अटेम्प्ट और एक्ट ऑफ इट्स काइंड तो मेडन क्या होता है ना कि एक तरीके से पहला जो अटेम्प्ट होता है काइंड होने का अपनी तरीके का लाइक like, एक्ट करना बट द फर्स्ट वन टू डू इट उसको वर्ड कहा जाता है मेडन नेक्स्ट है इन एक्सप्लीकेबल अनबल टू बी एक्सप्लेन और अकाउंटेड फॉर कोई चीज ऐसी जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते या जिसको यू you नो know, आप समझ नहीं सकते हो दैट इज वॉट इज इन एक्सप्लीकेबल डन ओके चलो नेक्स्ट द साइंस ऑफ कल ना यू आर गोइंग टू आंसर वन जो की एक साइंस या ब्रांच है विच इज रिलेटेड विथ कल सो इज इट स्यूडो नेम इज इट क्रोमेरिक्स इट इज डिस्ट इन फ्रेंचाइजमेंट या

बार ऐसा होता है कि कुछ ऑथर्स या राइटर्स अपना असली नाम नहीं मेंशन करते हैं स्टोरी में देन वो कोई झूठा या फॉल्स नाम लिख देते हैं like, लाइक पता नहीं उनको शायद नहीं चाहिए वो अपने असली नाम से लिखे तो वो अपने एक दूसरा नाम लिखते हैं अब क्योंकि वो गलत नाम है यानी कि सच्चा नाम नहीं है ना असली नाम नहीं है तो इसलिए उसको फॉल्स बोल दिया जाता है और फॉल्स नेम इो नेम नेक्स्ट है डिस इन द स्टेट ऑफ बींग डिप्राइव ऑफ अ राइट ऑफ प्रेवलेज स्पेशली द राइट टू वोट कोई भी स्टेट या कोई भी पर्टिकुलर प्लेस जिधर पर एक हक जो है या प्रेवलिज जो है वो नहीं दिया गया है ज्यादातर ये होता है कि उनको वोट करने का प्रेवलेज नहीं दिया गया है सो डिसमेंट नेक्स्ट है ग्रेटिस विदाउट चार्ज और फ्री अगर कोई चीज़ जो है वो उसके कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वर्ड ग्रैटिस आप यूज कर सकते हो डन ओके okay. नेक्स्ट है अ अपनीज फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड मार्शल आर्ट दैट यूज लॉक्स होल्ड थ्रोज एंड ओन मूवमेंट्स यानी एक जैपनीज फॉर्म है एक जापनीज आर्ट है जो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया जाता है जिसमें पर्सन जो है मार्शल आर्ट है जिसमें लोग लॉक कर देते हैं बॉडी को या फिर यू नो उनको पकड़ लेते हैं पटक देते हैं ठीक है तो एक सेल्फ डिफेंस का आर्ट है जो जापनीज आर्ट फॉर्म है इसके लिए वर्ड क्या है इज इट आई खीरो इज इट फुल स्कैप इज इट फार इज इट फ्रंट स्पीस ये आसान हो सकता है आपके लिए इफ यू ऑलरेडी नो थोड़े बहुत मार्शल आर्ट्स या सेल्फ डिफेंस के नाम तो आप थोड़ा थोड़ा शायद लिंक कर लो दिस इज ऑप्शन ए आई तो आई क्या होता है जापानीज फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस चलो बाकी वर्ड्स का मीनिंग पढ़ते हैं फूल्स कैप अ साइज ऑफ पेपर अबाउट 330 इनटू 200 या फिर 400 एमएम mm. तो 330 से लेके 400 एमएम mm के बीच में कोई भी साइज का जो पेपर होता है

नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीन क्वेश्चन ऑल्सो अगर इसके पहले का जो फ्रंट पी है आपको वो क्लियर नहीं हुआ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ तो थोड़ा दे देते चलो ठीक है जब आप कोई बुक ओपन करते हो ना जैसे आपने बुक लिया आपने बुक ओपन की तो पहला जो पेज होता है उसमें कोई ना कोई ना ड्राइंग बनी होती you know, है है इफ यू नो ठीक उसके बाद आपको इंडेक्स पेज आता है या टाइटल आता है ठीक है तो वो जो इलस्ट्रेशन वाला पेज होता ना, है ना उसको फ्रंट पीस कहते हैं डन ओके चलो सो so, नेक्स्ट है अ पर्सन हु दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड इफ द डेफिनेशन इज पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड तो फिर वो एथीस्ट है बट अगर इट इज लाइक अ पर्सन की कुछ भी पता ही नहीं है भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में और भगवान क्या होते हैं मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं अगर ऐसा कोई पर्सन है उनके लिए वर्ड अलग है ठीक है इज इट ग्रेफि इज इट हेवन मतलब heaven वाला हेवन इट्स ठीक है इज इट हाई लूम और एग्नोस्टिक तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है दिस इज ऑफ द वर्ड ऑप्शन डी एग्नोस्टिक तो एथीस्ट एग्नोस्टिक में क्या डिफरेंस है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड एग्नोस्टिक अ पर्सन हु फील्स कि कुछ भी भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है क्लियर ओके okay, चलो ग्राफी तो आपने देखा भी होगा कई वॉल्स पे आर्ट फॉर्म बने होते हैं उसको ग्राफी कहते हैं सो राइटिंग और ड्राइंग स्क्रिब स्क्रैच्ड और स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल और अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस पब्लिक प्लेस में जो तो दीवारें होती है ना उस उसपे कोई लिख दिया गया है कुछ या बिल्कुल स्क्रैच करके ड्रॉइंग बना दिया है या स्क्रिबल कर दिया है इन सबको कहते हैं ग्रफीति विच इज अ वेरी एक टाइप का आर्ट फॉर्म है एंड बहुत प्यारे प्यारे ग्रफी आपको देखने को मिल जाते हैं कई जगहों पे नेक्स्ट है हेवन विच इज अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और रिफ्यूज वन इज हेवन विच इज स्वर्ग देन यू हैव हेवन विच इज अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और रिफ्यूज यहाँ पे आप सेफ रहेंगे और आप यू नो साइड सॉर्ट ऑफ अपने आप को बचा के रख सकते हो वहाँ पे नेक्स्ट है हाई एलू अ वेलुबल ऑब्जेक्ट दैट हैज बिलोंग टू अ फैमिली फॉर सेवन जनरेशन बहुत जनरेशन से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो पूरे खानदान के लिए फैमिली के लिए बहुत वैल्युएबल है उसे कहते हैं हाई लोग संभाल के रखी है बिकॉज इट्स वेरी वैल्युएल फॉर द फैमिली डन ओके चलो नेक्स्ट पर्सन हुट ओबीडियंस डिसिप्लिन डिसिप्लिन चाहिए होता है, है इनवेक्टिव तो हॉट हेड हमको ऐसा लग रहा है मे बी जिसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है गुस्से में रहता है तभी हॉट हेड बोला है तो ये जो डेफिनेशन है दिस इज गोइंग टू बी विध ऑप्शन ए फॉर श्योर क्यों क्योंकि देखो आपने इंटेलिजेंसिया तो आप सोच सकते हो थोड़ा बहुत दिमाग की बात हो रही है इसमें इंटेलिजेंस है इन हमें पता नहीं हॉट हेड गुस्से वाले को बोल रहे होंगे तो इन दोनों में से कोई होगा ए और डी में से सो so आंसर है मार्टिनेट तो so अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा ओबीडियंस एक्सपेक्ट करता है हमेशा खुद भी बहुत ज्यादा ओबीडियंट रहता है तो वर्ड या डिसिप्लिन रहता है तो वर्ड मार्टिनेट डन ओके इंटेलिजेंशिया इंटेलेक्चुअल्स और हाईली एजुकेटेड पीपल एज अ ग्रुप स्पेशली वन रिगार्डेड एज प्रोसेसिंग कल्चर एंड पोलिटिकल इन्फ्लुएंस तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्रुप जहाँ पे ना बड़े इंटलेक्चुअल लोग हैं हाईली एजुकेटेड लोग हैं ज्यादातर एक कल्चर या एक पोलिटिकल इन्फ्लुएंस से रिलेटेड ये जब वर्ड बोला जाता है देन इट इज इंटेलिजेंशिया नेक्स्ट है हॉर हेर अ प परसन हुस और इजिली बिकम्स एंडली ओर वर्ल्ड जो इंसान बहुत जल्दी भड़क जाता है गुस्से में आ जाता है दिमाग हमेशा गर्म रहता है हॉट हेड तो वर्ड हो गया ठीक है बड़ा बड़ा आसान है ध्यान में रखना नेक्स्ट है इनवेक्टिव इंसल्टिंग अब्यूजिव और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज बहुत इंसल्टिंग है बहुत अब्यूजिंग है और बहुत लोगों को क्रिटिसाइज कर रही है ऐसी लैंग्वेज को इनवेक्टिव कहते हैं क्लियर ओके नेक्स्ट है समवन हु बिलीव्स इन मैनी और ऑल गॉड्स और बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड इज द सेम एज ऑल थिंग्स एनिमल पीपल विद इन द यूनिवर्स कोई भी इंसान जो सारे भगवानों में विश्वास करता है या फिर बिलीव करता है कि भगवान जो है वो हैं एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल्सो जैसे सारी चीजें हैं सारे एनिमल्स हैं हम सब ह्यूमन बींग्स हैं सब में एक ही भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा जो सोचना होता है किसी पर्सन का दैट पर्सन इज नोन एज ऑब्वियट लिंचपिन फाइलोलॉजी या पैंथिस्ट बड़ा आसान है बिकॉज यू नो थीस्ट एंड थीस्ट वर्ड आ रहा है इसमें सो पैंथीस इज द करेक्ट वर्ड पैन मतलब क्या होता है ऑल ओवर है ना तो पैन

किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज में अगर कोई पर्सन या कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है उसके बिना काम नहीं चलेगा देन द वर्ड इज लिंच पिन फॉर दैट नेक्स्ट है फ़िलोलॉजी, विच इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप्स ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस फाइलो वर्ड वैसे भी लैंग्वेजेस के लिए यूज किया जाता है तो ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस उनके बीच में रिलेशनशिप उनका स्ट्रक्चर उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है दैट इज फाइलॉलॉजी क्लियर ओके चलो नेक्स्ट 21 है माय अंकल एंड हिज ग्रैंडफादर लिव्ड एट द सेम टाइम तो लिव्ड एट द सेम टाइम के लिए कौन सा वर्ड है वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है तो यहां बोलना चाह रहे हैं कि मेरे अंकल और उसके दादाजी ग्रैंड फादर एक ही समय पे मतलब एक ही समय था वेन देवर देयर टुगेदर लाइक वो सेम टाइम था

एंड बाकी मीनिंग हम पढ़ लेते हैं सो पर्डिशन इज कम्प्लीट एंड अटर रुएन सब खराब कर देना है ना तो रायता फैल गया पूरी तरीके से रुवेन है चीज पूरी तरीके से खराब हो गई है, है पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ केस लाता है कोर्ट में दैट इज वॉट इज प्लेटिव

इंजर्ड तो कोई भी फेलो सोल्जर जो होता है उसके लिए एक वर्ड क्या यूज कर सकते हो इज इट रैकॉन्टियर इज इट कॉमरेड इज इट रिनाइसेंस और रिक तो वर्ड क्या है कॉमरेड बहुत आसान है बहुत बार सुना होगा तो एक फेलो सोल्जर को क्या कहा जाता है कॉमरेड डन ओके चलो नेक्स्ट मतलब एन एक डोट्स इन स्किलफुल एंड अम्यूजिंग वे मतलब एक जो भी चीजें हैं लाइन हैं उसको एक अलग ही तरीके से अगर कोई बताता है बड़ी हंसी मजाक के तरीके से ह्यूमरस वे में नरेट करता है वर्ड फॉर द पर्सन एज रैकंटियर नेक्स्ट है रिनाइसेंस रिवाइवल ऑफ और रिन्यूड इंटरेस्ट इन समथिंग मतलब एक आपका जो इंटरेस्ट है किसी चीज में आप उसको रिवाइव कर रहे हो वापस से आप उसको फिर से प्रैक्टिस कर रहे हो यानी वो वापस रिन्यू हो गया है

ट्वेंटी थर्ड है इट इज द फर्स्ट आर्टिकल आई रेड ऑन एन इमोशनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय ऑब्सैसिव डिजायर टू लूज वेट बाई रिफ्यूजिंग टू ईट एक डिसऑर्डर होता है कुछ लोगों में जिनको ना ऐसा लगता है कि वो आ, कुछ ना खाए मतलब कुछ भी नहीं खाते वो बिकॉज उनको वेट लूज करना होता है देखो अगर कोई पर्सन ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं अनहेल्दी नहीं खाऊंगा बिकॉज आई हैव टू लूज वेट वो अलग चीज़ है बट इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर इन विच द पर्सन इज फोर्स फ्रॉम विद इन कि वो कुछ ना खाए बिकॉज दे हैव टू लूज वेट तो वो डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है इज इट रिविजनिज्म इज इट सियर इज इट शिभौलित और एनोरेक्सिया तो ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है ना इसको एनोरेक्सिया कहते हैं और ये एक इमोशनल डिसऑर्डर है ठीक है So it is the first article I read on anorexia. Clear? Okay, chalo. Next part. Revisionism. So revision sequence related shay. So the theory or practice of revising one's attitude to a previously accepted situation. पॉइंट ऑफ व्यू तो एक हमारा थ्योरी हमारा प्रैक्टिस कि हम अपने को चेंज कर रहे, कर रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू के प्रति दैट इज वॉट इज रिविजन सुपर नेचुरल इंसाइट ऑफ द फ्यूचर तो एक पर्सन जो कि जिसमें एक यू नो सुपर नेचुरल इंसाइट है लाइक दे है वो ऐसा सोच के या यू you नो know, वो पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उनको कहते हैं हम सीअ Next is Shibboleth, which is a custom, principle or belief.

बिकॉज यू फील कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है डन ओके ट्वेंटी है हिज वाइट कोट वॉज कवर्ड विथ डर्ट एंड स्टेन अब आपको एक और वर्ड बताना है फॉर दिस तो उसका जो व्हाइट कोट है वो मिट्टी से कवर्ड था और स्टेन्ड था तो ये जो पर्टिकुलर है ना कवर्ड विद डर्ट एंड स्टेन इसके लिए वर्ड चाहिए ठीक है सो हिज व्हाइट कोट स्टेन्ड नहीं सिर्फ इतना बोलना चाहिए वॉज कवर्ड विद डर्ट ये है अंडरलाइंड पार्ट सो हिज वाइट कोट वॉज ग्रबी यपी स्ट्रेटज या रैम फाइड रैमेफाइड हम पढ़ चुके हैं रैमेफाइड पढ़ा था हमने चलो तो इसके लिए जो वर्ड है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए ग्रबी ग्रबी का मतलब होता है जो बहुत मिट्टी मिट्टी से भरा हुआ है या इस पर बहुत ज्यादा डर्ट है गंदा हो गया है दैट इज वॉट इज ग्रबी ठीक है चलो बाकी वर्ड्स पढ़ते हैं यही बड़ा क्यूट वर्ड लग रहा है दिस इज अंग पर्सन हु लिवस इन सिटी अर्नस अ लॉर्ड ऑफ मनी एंड स्पेंड्स इट डूइंग फैशनेबल थिंग्स एंड बाइंग एक्सपेंसिव पर माइट बी अवेयर ऑफ बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनमें स्किल है ठीक है और उस वजह से दे आर लाइक बाइंग लॉर्ड ऑफ फैशनेबल स्टफ़ एंड एक्सपेंसिव थिंग्स कमोडिटीज और पोजेशन ठीक है तो कोई भी बहुत कम उम्र वाला बच्चा यंग पर्सन ठीक है जो कि बहुत पैसा कमाता है सिटी में रहता है और अपने फैशनेबल स्टफ़ या एक्सपेंसिव कमोडिटीज पे एक्सपेंड करता है मतलब स्पेंड करता है नॉर्ट एक्सपेंड करता है या उसका एक्सपेंडिचर है उस पर देन वी गो विद वर्ड या पी नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैटेजियम विच इज अ प्लान और स्कीम स्पेशली वन यूज टू आउटिट एन ओपोनेंट और अचीव एन एंड

नेक्स्ट है ट्वेंटी स्टार ऑफ द अ टाइट रोप वॉकअ ये है पर्टिकुलर वर्ड जिसके लिए आपको पक्का कोई गवर्नमेंट है तो ये तो हो नहीं सकता ठीक है एबेटो फ्यूनाम्ब्यूलिस्ट एलमेनैक में एक वर्ड है वेन व्यू टॉक्ट अबाउट अ पर्सन हु टॉक्सन स्लीपू वॉक्सिन स्लीप तो इस तरीके से आपने ब्यूलिस्ट वर्ड पढ़ा ना है ना तो यहां रोप वॉकर या फिर हु पर्सन जो एक रोप पे नहीं चलते सर्कस में उनके लिए वन वर्ड क्या है तो कोई ना कोई ब्यूलिस्ट यूज करोगे इसीलिए क्लियर तो हो जाएगा क्या बात करना चाह रहे हैं सो वन अ टाइट रोप इज ओके चलो बाकी वर्ड्स पढ़ते हैं क्या इज अ गवर्नमेंट बाय द लीस्ट सुटेबल और कॉम्पिटेंट सिटीजन ऑफ अ स्टेट एक ऐसी गवर्नमेंट बनी हुई जो कि किसी जगह के सबसे कम डिजर्व करने वाले सबसे कम एबिलिटी वाले लोगों के द्वारा बनाई गई है विच इज क्यासी नेक्स्ट है एपिटॉयर और स्लॉटर हाउस एक ऐसी जगह जहां पे एनिमल्स को स्लॉटर यानी कि काट दिया जाता है फॉर अपने सेल्फिश पर्पसेस उस पर्टिकुलर जगह को स्लॉटर हाउस को एबिटॉयर भी कहते हैं नेक्स्ट है एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एंड टाइड टेबल तो एक साल भर का कैलेंडर होता है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट डेज या स्टैटिस्टिक्स डेटा वगैरह मैंशन होते हैं जैसे कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड डेटा या टाइड्स वगैरह का जो है हाई लो लोड हम पढ़ते हैं उन सबसे रिलेटेड टेबल्स बने हुए ये सारे डेटा वाला कैलेंडर इज नोन एज एलमैक done new words here all right 26 there were accusations of the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as ones Oh, तो यानी कि दूसरों का यू नो आइडियाज जो है खुद पे ले आना और ऐसा बोलना कि भैया ये हमारे आइडिया हैं ऑलरेडी हम इससे रिलेटेड एक वर्ड अब भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले इफ यू रिमेंबर नहीं कर रहे हो याद तो क्या कर रहे हो मतलब ठीक है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ऐसा कोई पर्सन जो दूसरों के आइडियाज जो है अपना आइडिया बताता है दूसरों की के आइडिया चोरी करके बोलता है मेरे आइडिया हैं उनके लिए वन वर्ड क्या है ठीक है वैसा ही क्या है इस प्रैक्टिस को क्या कहोगे so practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own is known as play, plagiarism तो so, हमने ऑलरेडी प्लैजियरिस्ट वर्ड पढ़ा देन यू हैव प्लैजियारिज्म तो आई होप दोनों क्लियर हो गए चलो अब हम पढ़ेंगे कैश देन यू हैव मिंट एंड देन यू हैव बेल

तो जॉन जो है अपना फेवरेट टॉपिक जैसे उसको मिला उस पर उसने बहुत करना चालू कर दिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये तो आपके लिए क्लियर है कि नहीं होगा आंसर जो है वो है लोकेशियस अगर कोई पर्सन बहुत भगवत करता है टॉक्स लॉट देन दर्ड वर्ड फॉर दैट पर्सन इज लोकेशियस क्लियर ओके चलो पोज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ कॉमन कैरेक्टरस्टिक और ऑक्यूपेशन कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक कॉमन पर्टिकुलर पॉइंट है या पर्टिकुलर कॉमन ऑक्यूपेशन है उनके लिए वर्ड होता है पॉज नेक्स्ट है क्लिक अ स्मॉल क्लोज निट ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट रेडिल अलाउ अदर्स टू जॉइन दैम एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल जो ना दूसरों को अपने ग्रुप में एंटर करने के लिए या दूसरों को अपने ग्रुप में आने के लिए अलाउ नहीं करते एग्नोस्टिक ऑलरेडी जानते हैं अ पर्सन हु बिलीव दट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन अबाउट द और नेचर ऑफ गॉड ऐसा पर्सन जो मानता है कि पता ही नहीं चल सकता कभी कुछ या कुछ पता ही नहीं है भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं डान 28th है। है yes, ऐसे भी fear exist करते है, phobia exist करते हैं, हैं। किसी number को को। डर लगने लगता इंसान तो अगर किसी person को eight देख कर डर लगने लगता है, तो वो कौन सा वर्ड है बड़ा आसान है आप देखते ही पहचान जाओगे इज इट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज इज कम्पियर इज इट साइफर और ऑक्टोफोबिया फोबिया फियर ऑफ ऑक्टो आर्ट के लिए यूज करते हैं तो वैसे ही ऑक्टो तो ऑक्टागन ये सारी क्या होते है? से इसीलिए यानी चलो अब बाकी पढ़ते हैं anthropologist भी आई होप आपने सुना ही होगा बहुत कॉमन वर्ड है सो समन साइंटिफिकली स्टडीज ह्यूमन एंड कस्टम्स बिलीव एंड रिलेशनशिप्स वन पर्सन जो कि ह्यूमन बींग्स उनका जो भी कस्टम बिलीव रहे हैं उन सबके बारे में पढ़ाई करता है जिनसे हमको फैक्ट्स पता चलते हैं ना बाद में दैट इज वॉट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेक्स्ट है कॉम्पियर विच इज अ पर्सन हु इंट्रोड्यूज द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन अ वाइटी ऑफ शो कोई एक शो है जहां पर नहीं पर्सन बोलता है कि एक, एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराता है डिफरेंट आर्टिस्ट को डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को उनके लिए वर्ड क्या होता है कॉम्पियर नेक्स्ट है साइफर अ सीक्रेट और डिस्गाइज वे ऑफ राइटिंग कोट यानी कि कोई भी एक जो कोड लिख देते हो आप जो कि एक सीक्रेट तरीका होता है कुछ लिखने का और कुछ ही लोगों को समझ आएगा उनके लिए उस पर्टिकुलर डिजगाइज वे एक हिडन वे छुपा के सीक्रेटिव वे को क्या बोलते हैं साइफ डन ओके चलो नेक्स्ट है लास्ट सेकंड क्वेश्चन विच इज ही वॉज रिलीज टेम्परली और परमानेंटली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस सेंटेंस ऑन द प्रोमिस ऑफ गुड बिहेवियर बहुत आसान वर्ड है मूवी वगैरह में भी बहुत, बहुत वर्ड यूज करा जाता है तो अगर किसी पर्सन को जेल हुई है ठीक है और उनके लिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे जो भी बोला जाएगा उसको अच्छे से करोगे काम वगैरह तो उनको जो टाइम पीरियड के लिए जेल बताया गया लाइक अगर ऐसा अनाउंस किया कि आप दस साल में जेल में रहेंगे और अगर उस समय के पहले उनको रिलीज कर दिया जाता है वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है वो हमेशा के लिए भी रिलीज किया जा सकता है उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं लाइक अगर किसी के गुड बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए किसी को पनिशमेंट खत्म होने के पहले रिलीज कर दिया जाए तो उसके लिए वन वर्ड क्या है सुजॉन पैरोल वेबिल स्टिकलर तो आप सबने सुना होगा पैरोल पे छोड़ा छूटा है जो बॉलीवुड वगैरह में सुनते हैं हम राइट सो वर्ड क्या है ऑप्शन नंबर बी विच इज पैरोल। क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट वर्ड सुजॉन क्या है सुजॉन होता है एक जगह पे आप जा रहे हो नो uh, you know, थोड़े टाइम के लिए लाइक एट अ प्लेस इज सुजॉन क्लियर? नेक्स्ट है वे बिल अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स बीइंग कैरीड ऑन व्हीकल। एक गाड़ी में कितने पैसेंजर्स हैं -क्या है उसका जो लिस्ट होता है नाम है इंफॉर्मेशन है या चीजों का इन्फॉर्मेशन है जो उस वे पे जाएंगे लाइक like, ट्रेवल करेंगे so ठीक है? Next, टिकला, अगर कोई पर्सन किसी एक चीज पे लेकर बहुत ज्यादा जोर डालता है कि नहीं भाई यही सही है इसी को मानो एंड

Um, क्या बोल सकते हैं फील के लिए वर्ड क्या होता है ठीक है सो इज इट ट्रेपिडेशन तो थीस्ट वाला वर्ड तो नहीं होगा डेफिनेटली ये गॉड से रिलेटेड एक और वर्ड होगा जैसे अभी हमने एंड स्टफ पढ़े बाकी ये जो डेफिनेशन है इसके लिए वर्ड हो जाता है ऑप्शन डी ट्रेपिडेशन ट्रेपिडेशन मतलब जब आपको किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर या एंशियसनेस फील होती है ठीक है चलो नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ते हैं इम्पोस्टर है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स स्पेशली फॉर फ्रॉडलेंट गेंद कोई भी पर्सन जो फ्रॉड करने वाला है अपने खुद के गेंद को सोच रहा है और उस वजह से धोखा देने के लिए दूसरे पर्सन जैसा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं वो पर्सन हूं तो उनको कहते हैं इम्पोस्टर नेक्स्ट वर्ड है मोनोथीज समीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड अगर कोई पर्सन मोनो मतलब क्या होता है एक थीस्ट क्या है जो भगवान में विश्वास करता है आस्थिक तो अगर कोई पर्सन ये मानता है कि सिर्फ एक ही भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो उनके लिए वर्ड होता है मोनो थीस्ट.

दो होंगे विच यू माइट ऑलरेडी नो बट रेस्ट ऑफ द वर्ड व्यू फॉर यू सो मेक श्योर यूक यू नो का नोट ऑफ इट एंड रिवाइज दैन एंड स्टार्ट यूजिंग वैन डन ओके चलो टॉपिक बट देर इज वन मोर थिंग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट फड़ से वो है अबाउट द वेबसाइट नो यू ऑल नो कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट चीजें हैं जो आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ सकते हो आप उसमें यू you नो know, अपने आप को पॉलिश कर सकते हो एंड वी वॉन्ट कि आप इन सब चीजों को ईजिली एक्सेस कर पाओ विदाउट

सब्जेक्ट टॉपिक वीडियो अभी डेमोस्ट्रेट करूंगी सेम आप जो मेथड है या स्टेप्स हैं वो किंडे गार्डन से क्लास ट्वेल्थ तक कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक को एक्सेस करने के लिए देख सकते हो एंड सिमिलरली यू हैव टू द सेम स्टेप्स फॉर एक्सेसिंग वन शॉर्ट रिविजन एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लर्निंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो करना क्या आपको एक डेमोस्ट्रेशन देख लिक ऑन ओलिपियाड टू गेट द सब्जेक्ट ऑफ द ओलिपियाड वाला पार्ट एंड यू विल गेट नाइन टेंथ का इंग्लिश नाइन्थ टेंथ का मैथमेटिक्स नाइन्थेंट टेंथ का लाइक ओनली नाइन्थ का जनरल नॉलेज बट आई गेस हमेशा मैं ये बोलती हूँ फिर से बोलूंगी जनरल नॉलेज तो क्लास पे डिपेंड ही नहीं करता यू कैन स्टडी कोई भी क्लास के हो आप जीके तो पढ़ ही सकते हो बिकॉज इट्स ऑब्वियसली जनरल नॉलेज है ना चलो सपोज आपको नाइन्थ आई का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है लाइक टॉपिक पढ़ना है इस पर क्लिक करो यू गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्लिक ऑन एनी टॉपिक सपोज सिलेबस ऑफ और आपके सामने उस कपड़ी को वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है सो so, इस तरीके से यू गेट द वीडियो सो इजिली स्टडी फ्रॉम इट मेक नोट ऑफ एवरी पॉइंट एंड वंस यू आर डन विद दिस एंड यू हैव टू क्लिक ऑन क्रॉस आईकॉन

वीडियोज जो है वो आपको एवरी मंडे ट्यूजडे वेंसडे मिल जाते हैं सो प्लीज गो एंड वॉच दैट डन ओके सो एन एंड ऑफ टूडेज द टॉपिक आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दर्ज क्वेश्चन फॉर देन यू नो डू जस्ट एंड शेयर अबाउट द चैनल विद एज मेनी पीपल एज यू कैन ताकि सभी प्रैक्टिस कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ये अगर खुद कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो पता है आपको क्या